मैनुअल ड्रिलिंग अब की जाएगी और मजदूरों तक सुरक्षित एक रास्ता बनाया जाएगा। कुछ लोग हैं जो हाथ में ऐसी ही छोटी सी मशीन और डेट माइनिंग के जरिए अब उन तक पहुंचने की कोशिश है। क्या नाम है आपका? सदी लोधी जी। और ये मशीन जो है ये किस तरह से काम करेगी? वो पत्थर के लिए है। अच्छा, अगर छोटा पत्थर आता है तो इसे काट देगी? जी। तो आप उस पाइप में अंदर घुसेंगे? हाँ, पाइप में घुसेंगे, मट्टी कच्ची गेंती से खुदेंगे। अच्छा, फिर उसको निकालेंगे बाहर। अच्छा। गड्डी पर रख के तसले बाहर निकलेंगे, रस्सा से खींचेंगे। अच्छा जी। तो ये रस्सी से जब फिर आप उसको खींचते जाएंगे तो वो मलबा निकलते जाएगा और इससे मिट्टी की भी खुदाई होगी, पत्थर भी खोद सकते हैं छोटे छोटे। हाँ, नीचे मट्टी निकाल तो मिट्टी पे चलेगा, डायरेक्ट मट्टी पे वो पुलखा मट्टी निकलेगा तो कच्ची से निपटेगा। लेकिन वहाँ कितनी जगह होती है, आप खड़े होकर कर सकते हो खुदाई? नहीं, पर बैठ के भी और लेट के भी। अच्छा। हाँ, यानी जगह बहुत कम होती है। छोटा डाला है ना, 800 का डाला। और ये मशीन को कैसे हैंडल करना होता है आपको? तो यूं चलती है। अच्छा, तो ये मशीन के लिए भी जगह बहुत कम है? हाँ, ये बस 2 या 3 फीट की जगह है। उतनी जगह तो बहुत सी है। अच्छा, और मशीन के लिए तो बहुत है जगह। और आपको बैठ के ही इसको चलाना पड़ता है? बैठ के भी चला, लेट के भी चला सकते हैं। अच्छा जी। तो खोद खोद के रास्ता बनता है। हाँ। तो ये कितना मीटर का वो है पाइप है जिसमें की आपको? 6 मीटर का पाइप रहता है। अच्छा, और टोटल पाइप डालना है 11-12 मीटर पाइप डालना है। टुकड़ों में पाइप डालेगा? हाँ, नहीं सिंगल पाइप डालते हैं वो तो। जी, 6-6 के। हाँ, तो ये जो है ये कितनी मीटर तक के आप एक घंटे में खोद लेते हो? एक घंटे में 1 मीटर निकालेगा 500, 1 मीटर 500 मट्टी हो तो 1 मीटर निकाल जाएगा, अंदर 500 निकलेगा। अगर जा कुछ अगर मान लो उसमें सरिया आ गया, पत्थर आ गया, वो मशीन से कटेगा। अच्छा, कार्यवाही दूसरे हैं वो बड़ी मशीन। और अगर हाथों से खुदाई करनी है तो आप करो? हाँ जी। तो ये आप पहले भी कई जगह कर चुके हो काम? कहाँ कहाँ काम कर चुके हो? दिल्ली में, अहमदाबाद में, बात ही असाले होगी हम लोगों को। अच्छा, देश भर में कई जगह? जी। ऐसी सुरंगों में काम किया आपने? नहीं, ये पहली बार फंस गया है। अच्छा, फंसा पहली बार? हाँ, पहली बार फंसा है। और खुदाई आपने पहले भी की? हाँ, खुदाई तो पहले की है, बहुत सी खुदाई की हम लोगों ने। अच्छा, झांसी से आया है, दिल्ली में काम चालू, फिर दिल्ली से उनने यहाँ पर पहुँचा दिया है। अच्छा जी। तो ये आपको कितनी उम्मीद है कि इससे खुदाई करके धीरे धीरे आप पहुंच जाओगे? तीन निकाय आगे तो 24 घंटा में फाइनल आदमी निकाल देंगे हम लोगों। अच्छा, पत्थर करेंगे तो 32 घंटा लगे जाएगा ऐसा लग रहा है? जी हाँ। और कितने लोग हो आप लोग जो काम कर रहे हो? 6 आदमी यहाँ पर, 6 आदमी आया, वो तो सब दिल्ली में लगा है। तो 6 आदमी अंदर जाओगे पाइप के? जी। और कितने बजे अंदर घुस जाओगे ऐसा बताया होगा? जाने के लिए अभी बस जाने की तैयारी चल रही है। वो आ गया इंजीनियर जा रही है, क्योंकि वो मशीन का टुकड़ा अंदर टूट गया था। हाँ, उसको निकाल तो लिया है? निकाल लिया, वो पाइप डल रहा है, हम लोग पहुँच जाएंगे, दावत चालू हो जाए। पाइप डल रहा है, आप लोगों के जाने का रास्ता बनाया जा रहा है और अंदर घुस जाओगे आप? तो आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हो कि कब तक के उन मजदूरों तक, अपने साथियों तक पहुंच जाओगे? मैं भी मंजू आदमी मेहनत वाले, हम भी मेहनत वाले हैं। ठीक है, हम ये सोचते हैं कि भी भाई, हम भी भाई, बिल्कुल, कि हम 24 घंटे में, हमारी तरफ भगवान के पास 4 घंटा में निकाय आवे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमें वैसे भी लोग हैं। और छोटे मोटे पत्थर रहे तो आपको कितनी उम्मीद है, कितना ज्यादा से ज्यादा समय में आप पहुंचोगे? 8 घंटे में 6 मीटर पाइप डालेंगे हम लोगों। और रात दिन आप काम करने तैयार हो? नहीं नहीं, रात वो तो रात दिन चलेगा काम, काम चलेगा। हाँ, बंद काम बंद नहीं हो सकता, काम बंद नहीं होगा। हाँ जी। लेकिन आप उन तक पहुंच जाओगे ऐसा भरोसा आपको है? भरोसा है कि 24 घंटे में उनके पास निकाल के आएंगे हम लोगों। ये जज्बा है, ये जज्बा है इन मजदूरों का और ये जज्बा है इन लोगों का, क्योंकि ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनके अपने साथी हैं, इनके अपने भाई हैं जो इस टनल में इस समय फंसे हुए हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी News18 India पर आप देख रहे हैं किस तरह से वो रेड माइनर्स अब पाइप के तर दाखिल होंगे, क्योंकि वहां पर अगर मशीन का जो ब्लेड का मशीन का एक हिस्सा टूटा हुआ था उसे काटकर पूरी तरह से बाहर निकाल लिया गया है, पाइप अंदर डलेगी और वहां ये मजदूर खुद पहुंचेंगे और उसके बाद बैठ करके जगह कम होती है, खुदाई होगी। उन्होंने बताया कि लेट करके भी उन्हें खुदाई करनी पड़ सकती है, एक छोटा सा मशीन, एक हथियार उनके हाथ में है और इसी से ये खुदाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह का इनका अपना जज्बा है, इन्हें पूरा भरोसा है कि रात दिन काम करके 24 घंटे के भीतर उन तक पहुंचने की कोशिश है। अगर पत्थर या दूसरी और बाधाएं आती है तो कुछ वक्त और लग सकता है, लेकिन कामयाबी से उन तक पहुंचेंगे और फंसे हुए 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे।